क्या आपको नहीं लगता कि एक पहाड़ी व्यक्ति जब मेहनत करता है तो इतनी मेहनत करता है कि अपना खून पसीना एक कर देता है, और उस मेहनत के बाद जब वो मौज मस्ती करता है तो इतनी मस्ती करता है कि देश क्या दुनिया के हर कोने से लोग उन्हें देखने आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज हिमाचल के मेलों के बारे में, और मुझे यकीन है कि अगर आपको पहाड़ पसंद है या आप पहाड़ से संबंध रखते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और आप इसको ना केवल शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप हिमाचल में कहाँ से हो। तो एक बार स्वागत है आपका ड्रीम टैलेंट की एक और एजुकेशनल वीडियो में। 35 ईस्वी में जब चंबा के राजा ने त्रिगत के राजा को युद्ध में हराया था, जो कि आज का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, तो चंबा के लोगों ने वापसी जाते समय अपने राजा का गेहूं और बाजरे के गट्ठों के साथ गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। वो पहली बार था जब मिंजर मेला का आयोजन किया गया। उस समय से लेके आज तक मिंजर मेला चंबा के लोगों के लिए एक स्पेशल ओकेजन है, और इसे एग्रीकल्चर फेस्टिवल के तौर पर भी मनाया जाता है। इसमें आज भी लोग गेहूं के कोप पहनकर, जो कि रेशम से बने होते हैं, मेले में जाया करते हैं। नारियल फल और गेहूं के टुकड़ों को एक लाल रेशम के रुमाल में बांधकर चंबा के लोग अपने देवता को अर्पित करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके देवता उन पर कृपा बरसाएंगे। और पुराने जमाने में लोग भैंस की बलि भी देते थे। उनका ऐसा मानना था कि रावी के बहाव में अगर भैंसा बह जाता है तो वो उनके लिए एक भाग्य लेके आएगा, पर ये प्रथा अब बंद कर दी गई है। मिंजर मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार से शुरू होता है और ये एक सप्ताह तक चलता है। मिंजर मेले का आयोजन चंबा के चौगान में किया जाता है। सात दिन तक चलने वाला मंडी का शिवरात्रि मेला, जो शुरू होता है कृष्ण पक्ष की 13वीं रात से, और जिसमें शामिल होते हैं मंडी जिले के 200 से अधिक देवी देवता। इस शिवरात्रि मेले के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये समर्पित है वहाँ के राजा ईश्वरी सेन को। ईश्वरी सेन किसी टाइम पे वहाँ राज किया करते थे, और वो अपना राज्य पंजाब के राजा संसार चंद से 1792 में हार गए थे। उन्हें 12 साल के लिए कैद में रखा गया। उसके बाद गोरखा आक्रमणकारियों ने उन्हें छुड़ाया और उनका राज्य वापस करवाया। इसको सेलिब्रेट करने के लिए राजा ने हर किसी को इनवाइट किया, और तब से ये शिवरात्रि महोत्सव आरंभ हुआ। सूर्यसेन के सारे पुत्रों की डेथ के बाद राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और वो अपने आप को कन्हैया का सेवक मानते थे। इसीलिए आज भी स्टेट के सीएम हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और उसके बाद ही इस मेले का आरंभ करते हैं। मंत्रमुग्ध कर देने वाला कुल्लू का दशहरा, जो शुरू हुआ था 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह जी के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति, जो कि अयोध्या से लाई गई थी, को अपने सिंहासन पे बिठाकर उन्होंने घोषणा की थी कि आज से रघुनाथ भगवान ही इस राज्य के शासक देवता होंगे। और दशहरे के पहले दिन आसपास के सभी गांवों से देवी देवताओं को इकट्ठा करके
ढालपुर के मैदान पर लाया जाता है, जहां पर सारे श्रद्धालु अब भगवान रघुनाथ जी के रथ को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। मेले के आखिरी दिन एक मछली, केंकड़ा, एक भेड़, भैंस की बलि दी जाती है और उनको चिन्हित करके बड़े से एक आग में जला दिया जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि इसको जलाने से बुराइयां खत्म होती हैं और उसको लंका दहन के लिए के साथ भी जोड़ा जाता है। कुल्लू का दशहरा हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। राष्ट्र स्तर का सुजानपुर का होलिका मेला, जिसकी शुरुआत कटोच वंश के राजा राजा संसार चंद ने की थी, जब उन्होंने अपनी उप राजधानी सुजानपुर टीरा को बनाया था। ये मेला हर वर्ष शोभा यात्रा के साथ शुरू होता है सुजानपुर के मशहूर मुरली मनोहर मंदिर से और सुजानपुर के चौगान में आके खत्म होता है। यहाँ पे पूरे जिले के हजारों लोग होली मनाने पहुंचते हैं। शिमला के रामपुर बुशहर का लवी मेला, जो मनाया जाता है नवंबर में, और इसकी शुरुआत हुई थी 400 साल पहले, जब रामपुर बुशहर के राजा राजा केरी सिंह ने तिब्बत के साथ में एक समझौता किया था, जिसके अंतर्गत तिब्बत के लोग हिमाचल प्रदेश में आकर वहाँ के ट्रेडिशनल सामान को खरीदते थे, जिसमें ऊन, सूखे हुए फ्रूट्स, ट्रेडिशनल आर्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पे बिकती थी। इससे आसपास के लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था। शशिकर आपा, जो कि धन की देवी हैं, उनके सम्मान में लाहौल वैली के लोग न्यू ईयर के पहले दिन हल्दा फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें उस घाटी के सभी लोगों को अपने घर के बाहर देवदार की टहनियों को जलाना होता है और लांबा द्वारा बताए गए एक निश्चित स्थान पर वो लोग इकट्ठा होते हैं और उन टहनियों को एक बड़ी आग में जला देते हैं। उनका मानना है कि आग जो है वो शांति का प्रतीक है। लाहौल वैली का पोरी फेस्टिवल, जो समर्पित है भगवान त्रिलोकनाथ को, वहां के लोग सुबह त्रिलोकनाथ मंदिर जाते हैं, वहां पूजा अर्चना करने के बाद उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि उन पे भगवान त्रिलोकनाथ का आशीर्वाद बना रहे हैं। उसके बाद वो शाम को इकट्ठे होते हैं, डांस करते हैं और डिवोशनल गाने गाते हैं। इस फेस्टिवल का जो मेन फीचर है वो ये है कि यहाँ पे एक घोड़ा, सजा हुआ घोड़ा, जो कि बिना घुड़सवार के होता है, वो चलता है और स्थानीय लोगों का मानना है कि उसे भगवान त्रिलोकीनाथ चलाते हैं। वो घोड़ा उस लोकल एरिया के शासक के घर में या फिर ठाकुर के घर में जाता है, जहाँ पे उसका गर्म जोशी के साथ स्वागत होता है मिठाइयों के साथ में। पौरी फेस्टिवल 3 दिन के लिए मनाया जाता है, जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों लोग भाग लेते हैं। ये वहाँ का बहुत ही फेमस त्योहार है। इसमें जो मुख्य आकर्षण होता है वो
घोड़ा होता है जिसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, और भगवान त्रिलोकनाथ की जो मूर्ति होती है उसको दूध और दही से नहलाया जाता है। इसके बाद गलियों में डांस चलता है, गेम्स चलती हैं और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पे एंजॉय करते हैं। ये अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में मनाया जाता है। जब दुनिया नया साल मना रही होती है, तब हिमाचल की मोनेस्ट्रीज में 15 दिन के लिए एक अलग ही तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे लोहसर कहते हैं। लोहसर, जहाँ पे लामा लोग अपने भगवान से मठों में प्रार्थना करते हैं कि वो उनके लिए खुशियां लेके आए, शांति लेके आए और किस्मत लेके आए आने वाले सालों में। ये फेस्टिवल धार्मिक प्रेयर के साथ में, फोक डांस के साथ में, तिब्बतियन ओपेरा के साथ में और ट्रेडिशनल डांसेस के साथ में मनाया जाता है। ये हिमाचल के सभी मठों में फरवरी मंथ तक मनाया जाता है। जनवरी महीने में मनाया जाने वाला साजो फेस्टिवल, जिसे गांव के लोग अपने देवता को अलविदा कहते हैं और उस दिन मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि उस दिन भगवान स्वर्ग में जाकर आराम करते हैं और वहां से अपनी ब्लेसिंग्स यहाँ के लोगों तक पहुंचाते हैं। उस दिन स्थानीय लोग उस मंदिर को के फर्श को धोते हैं और जो वहां के पुजारी होते हैं उनको खुली बाहों से स्वागत करते हैं। बदले में पुजारी उनको फल, सब्जियां और अन्य गिफ्ट देते हैं, जिसे ढीचर और ढोकल ढोकेल कहते हैं। ढोंगरी फेयर, जो वसंत ऋतु में कुल्लू वैली के अंदर मनाया जाता है, इसका दूसरा नाम हिडिंबा देवी मेला भी है। ये साल के उस सीजन में मनाया जाता है जब वैली पूरी तरह से नए फूलों से लदी होती है, चारों तरफ हरियाली होती है और हजारों की संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। इस मेले में लोकल परफॉर्मर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और ये मनाया जाता है मई महीने में। लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ हिमाचल विंटर कार्निवल, जो छोटा सा कार्निवल होता था 1977 में, मनाली में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और आज की डेट में हजारों लोगों इसको देखने के लिए मनाली पहुंचते हैं। इस कार्निवल में फोक डांस, म्यूजिक, फूड और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग ट्रेडिशन के लोग और कल्चरल एक्टिविटीज के साथ में आते हैं। इस कार्निवल में स्कीइंग कंपटीशन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा क्राफ्ट के बाजार भी लगते हैं। ये कार्निवल हर साल मनाली में जनवरी मंथ महीने में आयोजित किया जाता है। लारदाचा फेयर, ये 7 दिन के लिए अगस्त महीने में मनाया जाता है और कुल्लू किन्नौर और लाहौल के लोगों के लिए एक स्पेशल इवेंट है, जिसमें ना केवल ये ट्रेड करते हैं बल्कि अपना कल्चर के बारे में लोगों को अवगत करवाते हैं। यहाँ पे आपको उस एरिया के यूनिक हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। फसलों की कटाई का काम जब पूरा हो जाता है तो किसान लोग अपने देवता को स्वर्ग से वापस धरती पे बुलाने के लिए एक पर्व का आयोजन करते हैं, जिसे कहते हैं सैर। सैर की पिछली रात
लोग पूजा की थाली को तैयार कर लेते हैं, जिसमें गेहूं, अमरूद, नींबू और कुछ फल रखे होते हैं। रात को बारबर घर घर जाकर सैरी देवी की प्रतिमा को लेकर घर घर जाता है और किसानों से वो प्लेट इकट्ठी करता है। इस पर्व में किसान लोग अपने नए औजार, कपड़े और बर्तन खरीदते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समर फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है शिमला में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। ये बहुत ही फेमस हिमाचल का फेस्टिवल है और शुरू होता है हाफ मैराथन से। इसमें अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स होते हैं। ये मई और जून महीने में शिमला में आयोजित किया जाता है। नवंबर महीने में शुरू होने वाला रेणुका का मेला जो 3 दिन तक चलता है, और इसका मुख्य आकर्षण होता है पालकी, जिसमें पहले दिन भगवान परशुराम जी की मूर्ति को जामू गांव से गिरी नदी तक ले जाया जाता है, जहां पे वहां लोकल देवी देवता उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद इन सब देवी देवताओं को मुख्य स्थल पर ले जाया जाता है। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।